नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह, आप देख रहे हैं जनवा टाइम सच के साथ एक कदम। अभी हम उपस्थित हैं जनपद डावा के ब्लॉक बसेर में राजकीय कृषि बीज भंडार पर। तो रबी की फसल आने वाली है, तो प्रभारी जी यहाँ पर जो हैं योगेन्द्र पाल जी, तो आइए उनसे बात करते हैं किसानों के लिए किस प्रकार के बीज आए हैं और क्या क्या सुविधाएं किसानों को। नमस्कार। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रबी की सीजन में कौन कौन से बीज अभी किसानों के लिए बीज भंडार पर उपलब्ध हैं? मैं बताना चाहूँगा अजय बीज गोदाम प्रभारी कि हमारे यहाँ इस गोदाम पर गेहूँ और सरसों का बीज उपलब्ध हुआ है किसानों के सब्सिडी के लिए, और किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गेहूँ का बीज ले जा सकते हैं। जो किसान बीज लेने के लिए बीज भंडार पर आएंगे उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया क्या है कि किस प्रकार से जो बीज लेने का प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसके लिए ये है कि किसान को एक आवेदन पत्र है, उस आवेदन पत्र को भरना पड़ेगा। नॉर्मल होता है, उसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और इसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी, तीनों कागज आपको देने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप इसी ब्लॉक के निवासी हैं, चेक करने के बाद आपको बीज दे दिया जाएगा और अनुदान 15-20 दिन में आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा सर रहेगा आपसे कि क्या पीएम किसान योजना का पंजीकरण पर ही किसानों को बीज मिलेगा? जो पीएम किसान योजना का पंजीकरण है उसी ही पंजीकरण पर अनुदान मिलेगा, वही कृषि विभाग का ही पंजीकरण, दोनों एक ही है। इस चीज़ को किसान भाई भ्रमित करते ना हो, अगर पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो वही पंजीकरण ही कृषि विभाग का ही पंजीकरण है और उसी पे ही अनुदान मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अनुदान कितने प्रतिशत किसानों को मिल रहा है और अनुदान की जो राशि है कितने दिनों में किसानों के खाते में पहुंच जाए? अनुदान की जो धनराशि है वो लगभग 10-15 दिन में किसानों के खाते में पहुँच जाएगी, और इस पर लगभग 50% अनुदान है सामान्य वितरण पर हमारे यहाँ गेहूँ और इस पर सरसों पर। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कि सभी किसानों से कहा गया है कि फसल अवशेष प्रबंधन अपनाइए, क्योंकि पराली ना जलाएं। इस पर NGT द्वारा और हमारे उप कृषि निदेशक श्री किशन द्वारा भी आदेशित किया गया है कि आप पराली कतई ना जलाएं, किसी भी किसान को कहो पराली ना जलाएं। आप उसी कंबाइन मशीन से अपना खेत की कटाई करवाएं जिसमें सुपर SMS लगाओ, और जो आपको प्रणाली का अवशेष बचता भी है तो उसके जो गौशालाएँ बनी है प्रधान के माध्यम से आप उन गौशालाओं में भिजवा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा तरीका है, इसको कतई मत करिए, इससे आपकी ज़मीन भी खराब होती है, प्रदूषण भी होता है, और इस पर आर्थिक दंड भी किया गया है NGT अधिनियम धारा 24 के तहत, इस पर आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया है। आज के इस समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली मैं जनसंवाद टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इससे किसानों के बीच और अधिक प्रचार प्रसार होगा तो वो और लाभान्वित होंगे। थैंक यू। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।